हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अ चैनल। सो आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 2 का होल क्यूब 5x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसको सपोज कर लीजिए, ये क्या है, वाई है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू दिस टर्म। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये होगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, इसको सपोज कर लिया और इसको सपोज कर लिया, ये वाला कौन सा है, सेकेंड फंक्शन है। ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल लगेगा, वो कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहां पे देखिए, ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फिर ड्रॉप द पावर एंड डिक्रीज बाय 1। एज वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि ड्रॉप द पावर एन जो है वो नीचे उतर जाएगा और एक्स की पावर में क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर में क्या बन जाएगा, एन माइनस वन। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक्स है हमारे पास ये वाली टर्म और एन है हमारे पास टू। ठीक है जी, सेम उसी तरीके से ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, ड्रॉप द पावर यानी कि 2 इधर आ गया, ड्रॉप द पावर एंड डिक्रीज बाय 1 यानी कि 2 माइनस 1 पावर में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर 2 इंटू 5x-1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, हमने अगेन इसका डेरिवेटिव लेना है जिसको हम x सपोज करके चले थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, 5x-1 को सपोज कर लिया था x, इसका अगेन डेरिवेटिव होगा 5x-1 का विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फिर 5। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे सेम उसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेंगे 3x² प्लस 2 का होल क्यूब, सेम उसी तरीके से ड्रॉप द पावर 3 नीचे उतर जाएगा और डिक्रीज बाय 1 यानी कि पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x² प्लस 2 की पावर क्या बन जाएगी, 3 माइनस 1 यानी कि इसका होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगेन जिसको हम x सपोज करके चले थे उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 × x, ये इसका डेरिवेटिव होगा इस पूरी टर्म का। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 2 × 5 = 10। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 × 3x² प्लस 2 का होल क्यूब इंटू 5x-1। ठीक है जी, एक्स इज इक्वल टू 18x। ठीक है, इंटू 5x-1 का होल स्क्वायर इंटू 3x² प्लस 2 की पावर इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, और यहाँ पे हमने कॉमन क्या ले लिया, 5x-1, यहाँ पे भी है 5x-1। ठीक है, और इसमें भी है, सो इस वजह से हमने इसको कॉमन ले लिया 5x-1, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से 3x² प्लस 2 का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से। ठीक है, उसके बाद अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे देखिए 2 × 5 = 10, 5 निकाल लिया हमने, उसके बाद हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, 3x² प्लस 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 15 × x² प्लus 10 प्लस 45 × x² माइनस 9x। ठीक है जी, उसके बाद अगेन ये एज इट इज चलेगा, हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 2 × 5x-1 3x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 60x² माइनस 9x प्लस 10। सो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। लाइक एंड शेयर जरूर करेगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।